हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सपना दुबे आज आपको एकदम सिंपल तरीके से कैसे आलू की सूखी सब्जी बनाते हैं ये बताऊंगी। इस सब्जी को हम पूरी के साथ, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं या हम ट्रैवलिंग में ले जा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं एकदम टेम्पिंग सी और अमेजिंग सी रेसिपी। एकदम सिंपल सी सूखी सब्जी जो हम ट्रैवलिंग में लेकर जाते हैं, आज मैं वो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो चलिए एकदम झटपट सी और बहुत ही टेस्टी सा आलू की सब्जी बनाना बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में सबसे पहले मैंने सूखा मसाला भून कर लिया था। सूखे मसाले में मैंने हरा धनिया, मैंने अक्खा धनिया 1 बड़ा चम्मच, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ और 2 लाल मिर्च लिया था, उसे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था और उसको मैंने कूट लिया है। उसके बाद में इस कढ़ाई में मैं 1 बड़ा टेबल स्पून तेल डालूंगी। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब मैं डालूंगी इसमें 1 बड़ा टेबल स्पून ये सिंगदाना, इसे मैं अच्छे से रोस्ट कर लूंगी। थोड़ा सा ये अच्छे से भून जाए, इसका टेक्सचर और इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है इस आलू की सब्जी में। देखिए ये भून गया, मैं निकालूंगी इसे। देखिए मैंने उसी तेल में अब मैं डालूंगी 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 कड़ी पत्ते, हरी मिर्च और अब मैं डालूंगी ये उबले हुए आलू। ये मीडियम साइज के 4 आलू लिया था मैंने, इसे अच्छे से मिक्स करते हुए मैं इसे चला लूंगी। देखिए हल्का रोस्ट हो गया, अब मैं डालूंगी इसमें कुछ मसाले। थोड़ा सा हम डालेंगे हल्दी पाउडर, ये हम डालेंगे रोस्ट किया हुआ जो मैंने सूखा मसाला लिया था, इसमें है 1 चम्मच धनिया, अक्खा धनिया, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच सौंफ और 2 लाल मिर्च पाउडर। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं डालूंगी इसमें ये चाट मसाला, अमचूर पाउडर, काला नमक और ये है नॉर्मल सादा वाला नमक जो हम डेली खाते हैं। सारी चीज को अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें भुना हुआ कसूरी मेथी, ज्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 1 पिंच डालना है। और अब मैं डालूंगी इसमें ये सफेद वाला तेल, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अब मैं डालूंगी इसमें रोस्ट किया हुआ सिंगदाना। बस हमारी सब्जी जो झटपट सी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको पसंद है इस सब्जी का टेस्ट तो आप इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अब मैं डालूंगी इसमें फाइनली बारीक कटा हरा धनिया। देखिए कितनी टेम्पटिंग सी लग रही है ना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखिए कितनी टेम्पटिंग सी और टेस्टी सी, जितनी ये दिखने में टेम्पटिंग है उतना ही खाने में टेस्टी है। ज़रूर ट्राई करिएगा और ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको कैसी लगी है आलू की सब्जी। देखें इतनी टेम्पटिंग सी और डिलीशियस सी सब्जी बनकर तैयार है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट कर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है रेसिपी। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी में। थैंक यू।